तो हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज, आज वाली वीडियो में दोबारा से खेलने जा रहा हूँ मजूबा। और गाइज यार, इतने दिनों से भाई वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था, पोस्ट करके बताया था कि घर में गाइज पेंटिंग वगैरह पेंट वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। तो जूबा में गाइज भाई जैक करेक्टर आ चुका है, जो कि बहुत पहले ही आ चुका है। तो आज हम लोग भाई जैक से खेलने वाले हैं। इसकी एक्टिव और पैसे ऑलरेडीज और जो भी प्राइमरी स्ट्रिंग है वो वाली भी मैं बता दूंगा, जिसको भी समझ में नहीं आई हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो गाइज, पैसे तो हमारी आर्मर्ड स्किन है कि इसके पास अपने आप सील्ड आ जाएगी। तो वो सील्ड होती है ना, तो इसे कोई ज़रूरत ही नहीं है सील्ड की, इसे अपने आप आ जाएगी, वो इसकी पैसिव एबिलिटी है, ठीक है। और एक्टिव एबिलिटी तो आप लोगों ने इसकी देख ही रखी है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पूरा खींच के ले जाता है अपने साथ, चाहे कितनी भी लंबी हो, कोई भी हो खींच के ले जाएगा भाई, चाहे ब्रूस हो चाहे कुछ भी हो। तो इसकी एक्टिव एबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसकी जो प्राइमरी इंस्टिंक्ट का इसका है कि जो इसके ऊपर जो सील्ड आती है ना, अगर वो वाली सील्ड खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद इसको इसकी जो डैमेज है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इसकी प्राइमरी इंस्टिंक्ट ये है। तो लेट्स गो गाइस, अपना गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है भाई। मेरा एक स्लॉट खुला हुआ है इस पर, मैंने भाई गलत आइटम लगा लिया उस पर, उसका डीफैब लगा हुआ है, बल्कि इसमें कुछ काम आने नहीं वाला सोलो वाले में, बट कोई नहीं, हम लोग थोड़ा ध्यान से खेलेंगे। लेवल 3 का है तो बंदे भी ठीक ठाक ही आएंगे, तो हम लोग शायद जीत सकते हैं। बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके बताना और कैसा चल रहा है भाई। इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली, सोच रहा था कि मैं जल्दी से डालूं, जैसे मेरे को टाइम मिले मैंने डाली। तो यहाँ पे पहले इस वाले स्टीव को लेके जाता हूँ, ये देख रहे हो वो भाई लिटरली कहाँ से कहाँ खींच लाया, वो बेचारी अच्छी खास स्पीयर उठा रही थी अपना, उसकी हेल्थ भी देखो कितनी कम कर दी। मेरे पास एक वेपन होता ना वो खत्म हो जाती बस, पर मेरे पास एक भी पेपर नहीं था और वो बच के भाग गई, उसकी किस्मत अच्छी थी। अभी ये वाला रुक जा, ओ ओ ओ वही के इसका कंट्रोल करना ये ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा सा लैग वैग सा भी करता है या फिर अटकता है थोड़ा, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो अटकता भी है। ये देखो आगे पीछे होता है, तो यहाँ से ये भी ले लेते हैं, ये मर गया देखो 2 मिनट में। तो इसका पता है एक खास फायदा हो रहा है कि अगर आप लोग अपनी एक्टिविटी से ले जाके दीवार वगैरह में या किसी में भी ठोक दोगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज लगेगी, मतलब थोड़ी डबल डैमेज लगेगी। वैसे आप नॉर्मली करोगे खाली खाली, जैसे अभी मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं लगेगी। अगर मैं ऐसे कहीं लगा के दीवार वगैरह में लगा देता तो और मतलब ये मर ही जाता शायद। और इसकी गाइस पता है एक्टिविटी की डैमेज भी मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा है। आप लोग जैसे कि मान लो ये वाला अगर मैं बैरियर रखूँगा और फिर एक्टिविटी चलाऊँगा तो एक ही बार में तोड़ देगा भाई इस बैरियर को, ये देखना, ये देखो एक ही बार में तोड़ दिया भाई, कोई नहीं तोड़ पाता। एक ही बार में तीनों वेपन लगा देते हैं तब भी नहीं टूटता, कभी कभार तो ये पूरा एक्टिविटी से ही तोड़ देता है। तो इसकी एक्टिविटी की डैमेज तो बहुत ज़्यादा है, पर हाँ ये है कि अगर कहीं टकराओ तो यहाँ पे देखो मैंने टकरा दिया तो डैमेज लगी ना, टकराने पर डैमेज है। अरे भाई यार, मैं एड्रेनलिन ले लगा के आया हूँ, मैंने कहा था ना मैं डीफैब लगा के आ गया हूँ, यही तो मेरी गलती हो गई इसमें। तो गाइस हमारा गेम यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, और इस बार तो भाई मैं एड्रेनलिन लगा के आया हूँ, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है हेल्थ वेल्थ बढ़ाने की, हेल्थ वेल्थ भूल जाते हैं ना इसीलिए, वरना उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। मेरी तो बिल्कुल दिमाग से निकल गई थी यार पहले वाले में, वरना तो वो जेड मेरे को मार नहीं पाता, मेरे पास हेल्थ किट भी रखी हुई थी। तो यहाँ पर भाई गार्ड है, उसको मार लेते हैं। तो चलो भाई चलते हैं, गार्ड कहाँ पर है भाई? ये रहा देखो, डिलीवरी किसी के घर पर पहुँचाना हो तो डिलीवरी कर सकते हैं इसी की सूंड से हम लोग, या इसी के सींग से, सींग है ना इसका, हाँ सूंड नहीं है इसकी, सींग है। तो वैसे ये करेक्टर काफ़ी बढ़िया है, इसकी डैमेज भी अच्छी है, हेल्थ वगैरह भी सही है, और इसकी एक्टिव और पैसिव का तो गजब ही मामला है भाई। देखो सील्ड मिलती है तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है, सील्ड मिलती है इसकी पैसिव से, और एक्टिव की डैमेज भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कुल मिला के बात करें तो ये करेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत दिनों बाद वैसे भी जुआ वालों ने करेक्टर एक अच्छा खासा निकाला है, वरना तो आपको पता ही है कभी किसी करेक्टर में कुछ कमी तो किसी करेक्टर में कुछ कमी, बट अभी जैसे कि रोमी हो गया, जैक हो गया, मैक्स हो गया, अभी करेक्टर इन लोगों ने सही निकाले हैं लाइन से, वरना तो अभी थोड़े बीच में उन्होंने बेकार से भी निकाले थे, बट अभी तो ठीक निकाल रहे हैं। तो यहाँ से भाई निक्स को लेके चलते हैं। आ जाओ भाई, पार्सल आया है यहाँ पे, और ये भी रखा, और यहाँ पे कांटा भी बिछा दो, और मेरे को हेल्थ का ध्यान रखना नहीं है क्योंकि मैं एड्रेनलिन लगा के आया हूँ, और यहाँ पे दोनों की हेल्थ 1-1 HP है, वो ऐसे ही मर गए मुझे पता था। और यहाँ पे एक हैंड्री है, ये भी आ रही है, ये भी जाएगी, ये देखो गई। तो गाइस अपना भाई एक बंदा मिला यहाँ पे जो भी लेवल 6 का ले रही है, तो इसे पकड़ के मारता हूँ रुको सूट से, पहले रुक जा पक्का रहा है इस पर, बस होली सैंड और लगा लूँ ना तो पानी में भी इसकी काम करेगी। अभी पानी में रुक जाती है ना, हम लोग पानी में नहीं जा सकते इसकी एक्टिविटी का यूज़ करके। होली सैंडल से भाई वो भी अच्छी खासी काम करेगी। अब बोल लेरी भाग गया है कहीं ना कहीं, तो आएगा देखो वो आ रहा है, रुको अभी पकड़ता हूँ उसे, पकड़ लिया और दीवार में भी मार दिया मैंने, तो इसे काफ़ी खतरनाक डैमेज मिली है। और लेवल 6 का है, वो लेवल 3 का मैं हूँ भाई, तब भी वो डर रहा है पता नहीं क्यों। लेवल 7 का भी आ गया, डर तो भाई एक मिनट से लेवल 7 को पकड़ के उधर देखो दबाना पड़ेगा तभी मजा आएगा। चलो निकल, अरे दबा भाई इसे, अभी मेरे को दबाना था, चलो कोई नहीं, मैं दबा नहीं पाया यार उसे, साइड में हो गई कैसे पता नहीं, मैं तो सोच रहा था कि इसे ठोक दूंगा उधर से पीछे। अभी रुको भाई, यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जो कि अलग अलग से अटैक कर रहे हैं, तो मेरे पर कोई अटैक ना करे। जान मैंने देखा है भाई, जानबूझ के बंदे पता है नए करेक्टर पर अटैक करते हैं, जैसे ये भी जैक नया आया है तो लोग टारगेट करेंगे फालतू में, कोई उसमें लेना देना नहीं होगा तब भी टारगेट करेंगे बंदे। तो यहाँ से पहले रुक जा भाई, रुक जा, मेरी हेल्थ किट तो ये, अरे ये क्या हो गया, अटक कैसे गया भाई, मैं यहाँ पे फंस गया था क्या, अभी मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ। रुक जा भाई, इसे हेल्थ किट नहीं लेने देने, चल भाग यहाँ से, चलो ये मेरी है, रुक जा मेरी हेल्थ किट है, मेरे को मार दे उससे पहले। अरे यार ये वाली हेल्थ किट मेरे पास आ जाती तो पक्का ये वाला गेम मैं जीतने वाला था यार,
कोई नहीं, लेवल 7 का फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, ऊपर से ब्रूस। तो अभी पता मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ट्रियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रियो में अगर बंदे मेरे को अच्छे मिले तो हम लोग जीत जाएंगे, तो ट्रियो स्टार्ट करते हैं और एडलिन लगी रहने देते हैं। बाकी का तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको भाई जैक वाला करेक्टर कैसा लगा। मैंने अपनी तो बता दिया भाई, मेरे को तो बढ़िया लगा ये करेक्टर। एक्टिव पैसिव प्राइमल तो ठीक है, प्राइमल नॉर्मल ही है, एक्टिव पैसिव और बाकी ओवरऑल करेक्टर काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस अपना ट्रियो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मेरे टीम में भाई पावलो और एडना आए और यहाँ पे इसके भी इसको पकड़ के दही दबोचो, दबोच लिया भाई। अब रुक जा रुक जा रुक जा, मार खा के जा रहे यार। 1 HP में बच गया, मेरे पास एक कोई और वेपन होता तो 1 HP में नहीं बच पाता। रुको अभी रुको, ये देखो अभी भी उसे डर। अब कहाँ गया इसके भी, मर गया वो भाई। ये तो ट्रियो था ना, तो वो मर कैसे गया? उसका रिवाइव वाला मीटर क्यों नहीं चालू हुआ पता नहीं, यहाँ से इसे भी लेके चलते हैं। चलो भाई ये गया इसका, भाई ये बहुत सही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद स्किपी के दोस्त आ गए हैं अब लड़ने के लिए, तो इन्हें भी देखते हैं। रुको इन्हें भी भाई पकड़ के खींचता हूँ अभी, रुको कहीं ना कहीं। आ जा भाई मौली ज़रा, ये अभी मेरी टारगेट में नहीं है। आ जा, ये आ गई आ गई आ गई, ये देखो भाई क्या मज़ेदार है। मारो इसे मारो, मेरे पास बॉम्ब की कमी है, बॉम्ब और चाहिए मेरे को बस। मारो इसे, अबे पावलो क्या कर रहा है, पावलो के बिल्कुल बगल में था, इसने मारा नहीं। मेरे पास तो बेपन ही नहीं है इसलिए नहीं मार पा रहा। रुक जा, कहाँ तक भागेगा ये ले। हो भाई ये देखो कहाँ तक भागेगा भाई, भाग। लेवल 3 की एडना वगैरह ये भी, ओए तीन ही तीन के बंदे आए, मैंने तो अभी देखा। मुझे लग रहा था कि शायद इनका लेवल थोड़ा सा बड़ा होगा, बट ये भी तीन तीन के बंदे हैं। भैया आराम से खड़े क्यों हैं, आओ ना भाई इधर आओ इधर आओ। पावलो खड़ा हुआ है पता नहीं फालतू में। ये वाला करेक्टर पता है मैंने ट्राई करा कि ये बैट सी का बढ़िया काउंटर हो सकता है भाई, क्योंकि सील्ड से मतलब अपनी जो भी एक्टिव एबिलिटीज है वो तोड़ देता है ना बैरियर, तो भाई बैट सी का भी तोड़ देता है एक ही बार में, तो बैट सी बचा नहीं पाएगी अपने आप को। और पता नहीं बचा भी ले पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते हम लोग, क्योंकि बैट सी पर भाई लोग हीलियम कलर से लगा के घूमते हैं, तो इसीलिए चांसेस बनते हैं कि वो बचा भी लें या नहीं बचा पाएँ, दोनों ही चीज़ें। तो एक मिनट, मेरी भी यहाँ पे एक टीममेट डाउन हो चुकी है, तो यहाँ पे कौन बचा रहा है, बचा रहा है। चलो से आ जा भाई आ जा, मेरे को थोड़ा उठा रहा है ना वो पावलो। चलो बढ़िया, एक काम तो अच्छा किया पावलो ने। और यहाँ पे मौली बेचारी डर के मारा आई नहीं रही पानी में से बाहर, वो सोच रही है कि आज तो मैं पूरा नाक ही आऊँगी, ऐसे नहीं आऊँगी। रुको पहले इस स्किपी को मारता मैं, पर बच गया वो। चल ठीक है, अब कब तक बचेगा आखिर, मैं ही टॉप रेडिएटर हूँ। मारो इन दोनों को मारो, मेरी हेल्थ क्या है। वो मेरे बंदे कैसे मर रहे हैं भाई, कहाँ गई वो एडना। एडना डरे मत, मार इनको, पकड़ पकड़ के मार। ये ले मैं खींच रहा हूँ, ये देखो यो भाई क्या खची। वो ऐसा लगा कि भाई गाड़ी के नीचे आने जाते हैं, ऐसा लग रहा था भाई इन दोनों का। तो वो मर ही गए भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो मर जाएंगे। तो चलो यहाँ से भाई मैंने हेल्थ किट ले ली, मैंने गलती करी बेचारे पावलो को भी उठ के, अगर पावलो को भी उठने देना चाहिए था मेरे को, तब जाके हेल्थ किट लेता तो फायदा रहता। और अभी इस वाले के मैं 11 बंदे बचे हुए हैं यार, कैसे है? मेरे को तो लग रहा था कि अब 3-4 बंदे होंगे। और यहाँ पर कौन है भाई, ये 5 लेवल का है, कोई दूर से बमबारी कर रहा है इसीलिए मैं देख रहा हूँ। ओ भाई ये देखो कोई तो है भाई, इनका कोई बड़े लेवल का बंदा है क्या। आ जाओ भाई थोड़ा साइड से निकलते हैं, तो यहाँ से मैं तो जा रहा हूँ। अरे यार यहाँ पर ब्रूस है जो कि पहले से रास्ता लगा के बैठा हुआ है कि कोई है तो मैं मारूँ। यहाँ पे कौन फायरिंग कर रहा था, जो पेपर है, पेपर को तो अभी रुको विदेश ले जाता हूँ, इसे विदेश यात्रा करवाता हूँ बिना टिकट के। यहाँ पर ये आ रहा है भक, चल भाई इधर आ, ये ले पहले तो तू इधर घूम गया भाई। सच्ची में भाई विदेश यात्रा ही होती है इससे, तो पकड़ लेता तो फिर घुमाते रहता यार। तो चलो भाई हम 9 बंदे बचे हुए हैं, और इधर भाई ये ड्रप ड्रप के यहाँ पे दुबक दुबक के खेल रहे हैं और काफ़ी खतरनाक तरीके से खेल रहे हैं। ये देखो गया, और आ जा भाई ड्यूकी को तो पकड़ नहीं पाया, पेपर को पकड़ ले। चलो पेपर को पकड़ के भाई मैंने दबा भी दिया उसे, उसे डैमेज भी काफ़ी अच्छी लगी है। तो अभी यहाँ पर पेपर को मैं टारगेट बनाऊंगा, क्योंकि यही ज़्यादा दूर से बमबारी सी कर रही थी ना, इसीलिए इसकी गर्मी निकालनी है पहले पेपर की मेरे को, जितनी लंबाई है उसकी सारी छोटी। अरे यार मिस हो गया, ओ ये तब भी आ जा पेपर। अरे यार पेपर को पकड़ ही लेता, बट उसकी ख़त्म हो गई पहले ही। यहाँ से पहले रुको 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 रुको, आराम से मेरे को भाई देखो, मेरे बंदे उससे पहले मर जाए, मेरे को उन दोनों को तो मर रही है। अरे भाई लोग छोड़, अरे दोनों ही बंदे मेरे डाउन है, कैसे। पेपर आ जा, थोड़ी विदेश यात्रा करके आते हैं। चल चलो पेपर को विदेश यात्रा कर दी, बढ़िया। अरे यार ये कांटे वाटे भी सब, अरे यार ये कांटा भी यहीं पर रखना था क्या, पेपर को कितनी अच्छी विदेश यात्रा कराई मैंने। अरे यार वक्को भी करा देता, वो कांटा बीच में फंस गया वरना सील्ड के लिए रुका हुआ था। एनीवे गाइस, तो करी वाली वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगे तो मेरे लाइक से सब्सक्राइब जो करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट जो करना, तो आज वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय।